एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और आज मैं हूँ कल्याण में। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा बट आई एक्चुअली स्टे इन कल्याण। और अब जब मैंने थोड़ी ब्रेक ली थी फ्रॉम ट्रैवलिंग, आई थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग फूड फ्रॉम माय सिटी। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ द फूड दैट आई ट्राई इन कल्याण। हम स्ट्रीट फूड खाने वाले हैं, वील गो टू अ कपल ऑफ रेस्टोरेंट्स, वील ट्राई सम मिसर, इडली, चिकन थाली, चाट, चाइनीज भेल, बहुत कुछ खाने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और आज के वीडियो में हम ट्राई करेंगे, वी टेक सम ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेज इन कल्याण जिनके बारे में सिर्फ यहाँ के लोकल्स जानते हैं। सो दैट नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग टू कल्याण एंड यू वॉन्ट टू नो वॉट आर लोकल्स फेवरेट्स, दीज आर द वंस। लेट्स गो। आज की पहली जगह जो हम आए हैं वो है शुद्ध शांति। अब ये जो जगह है, मैं कल्याण में रहती हूँ, स्टिल आई डिडंट नो, मेरी एक रिलेटिव ने मुझे बताया कि यहाँ का जो मिसर और इडली है वो काफ़ी डिलिशियस होता है। और आपको पता है यहाँ पे जो इडली है वो तरी के साथ मिलता है, लाइक पीपल हियर एंजॉय देयर इडली विद अ स्प्लैश ऑफ तरी। नाउ इज़न दैट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने मिसर और इडली ले ली है। वैसे ये प्लेस 80 प्लस ईयर्स ओल्ड है और ये प्लेस तिलक चौक एरिया में आती है एंड दिस प्लेस हैज़ एन ओल्ड चार्म। सो लेट्स ईट, दिखने में तो काफ़ी डिलिशियस लग रहा है। ये ना शायद लंच टाइम पे क्लोज होते हैं, मैं इनके टाइमिंग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सो यहाँ पर मैंने ऑर्डर की है इडली जो सिर्फ चटनी के साथ आती है और आप देखेंगे चटनी में देयर इज लाइक नो मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, ऐसे कुछ टेम्परिंग नहीं की गई है। इट्स जस्ट प्लेन वाटरी चटनी विद टू पीसेस ऑफ इडली। यहाँ पे है मिसर हमारी, ये है तरी, ये बहुत सारी इसीलिए क्योंकि हम ये इडली पे भी डालने वाले हैं और हम ये मिसर में भी डालने वाले हैं। एंड हियर वी हैव सम एक्स्ट्रा चटनी और यहाँ पे हैं दो पाव। सबसे पहले हम इडली खाते हैं। नाउ दिस इज एग्जैक्टली हाउ पीपल हियर ईट, दे पुट दिस तरी ऑन इडली। सो जैसे मैं आपको बोल रही थी चटनी में कुछ भी टेम्परिंग नहीं किया गया है, सो ऑल द स्पाइस एंड फ्लेवर इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस तरी। इडलीज आर थिक बट सॉफ्ट, एकदम गोल गोल नाइस इडलीज। ये खाने के पहले मैं आपको एक बार इनका मेन्यू भी दिखा दूँ क्योंकि अगर आपको समझो ये नहीं खाना है तो इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर अगर आपको इडली खानी है तो यहाँ पे आपको थोड़ा पहले आना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द लास्ट प्लेट दैट वी गॉट, दे रैन आउट ऑफ इडलीज। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। वाओ, क्योंकि चटनी पहले ही डाल के देते हैं इडली में, सो द इडलीज आर नाइस सॉफ्ट एंड दे आर प्रॉपरली सोक्ड इन चटनी। कोकोनट का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है चटनी में बट उसके ही साथ जब तरी का स्वाद आता है, अमेजिंग, हल्का सा स्पाइस, काफ़ी ऐसा ये हटके कॉम्बिनेशन है। जब आप खाएंगे तभी आपको समझेगा। दिस इडली फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ सुपर सॉफ्ट और ये जो चटनी है काफ़ी वाटरी लग रही थी बट ये थोड़ी थिक है और ये जो तरी है ब्रिंगिंग इन गुड स्पाइस। ये आप थोड़ी डालना अगर आपको ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए। सो ओवरऑल इसका स्वाद काफ़ी ऐसा कोकोनटी स्पाइसी है। अभी हम खाने वाले हैं मिसर। वैसे ये जो तरी है इसमें ना गार्लिक के ऐसे चंक्स डाले हुए हैं तो उसका भी एक स्वाद आ रहा है। सो इट्स गार्लिक की, फिलहाल थोड़ा ही डालते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है। लेट्स टेक सम ऑफ दैट मिसर। बहुत सारा मुझे इसमें फरसान दिख रहा है, कुछ इतना आलू या कुछ मुझे नहीं दिख रहा है इतना। वाओ, आई थिंक मिसर का जो मसाला होता है उसका जो एक पर्टिकुलर टेस्ट आता है मुझे, सबसे पहले उसका स्वाद आ रहा है, फिर तरी का टेस्ट आया मुझे जो स्पाइसी है, गार्लिक का स्वाद आ रहा है, अनियंस इसमें थोड़े थोड़े ऐसे रॉ डाले हुए हैं तो उसका स्वाद आ रहा है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फरसान। अगर आप कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप तरी कम डालो बट फिर भी ये मसालेदार तो काफ़ी रहेगा क्योंकि इसमें मसाले भरपूर डाले गए हैं। गरम मसाला हो गया, फिर मिसर का जो मसाला होता है ये काफ़ी ऐसा हॉट इन नेचर है, काफ़ी थिक बट काफ़ी काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी अलग है ये दूसरे मिसर से क्योंकि बाकी मिसर में कैसे आपको फरसान, आलू इन सब का टेस्ट आता है, बहुत लोग तो पोहा भी डालते हैं, पर इसमें आपको सबसे ज़्यादा मसालों का स्वाद आएगा। काफ़ी बढ़िया जगह है, वेरी डिफरेंट फ्लेवर। इफ़ यू आर अराउंड यू शुड कम एंड ट्राई द इडली एंड मिसर हियर। आफ्टर दैट डिलिशियस ब्रेकफास्ट हम पीने वाले हैं चाय बिकॉज एनी ब्रेकफास्ट विदाउट टी इज़ इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर की है कटिंग चाय। एनी वन हू कम्स हियर हैज दिस टी, यहाँ की चाय भी काफ़ी पॉपुलर है। एकदम कड़क गाढ़ी चाय,
मजा आ गया यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके। This place was actually set up in 1960s और यहाँ के जो owner थे वो खिड़की से वड़ा पाव बेचते थे। We'll talk to the owner in a while, but यहाँ का जो वड़ा पाव है वो पूरे कल्याण में काफ़ी पॉपुलर है। A very simple on the go snack which is super delicious. The वड़ा पाव here guys, वड़ा पाव की साइज़ काफ़ी बड़ी है। The वड़ा is huge covering the whole पाव और अंदर डाली हुई है सूखी गार्लिक चटनी और यहाँ पर है ये ग्रीन चटनी जो ग्रीन चिलीज की है and some मिर्ची। This looks so beautiful. If Maharashtra can have a picture, it can be this. Mumbai's own favorite snack. Let's take the first bite. So hot, so spicy, so yum. ये जो green चटनी है it's not for the weak soul. ये काफ़ी spicy है. Raw green chilies का ऐसा taste आता है. अगर आप बड़ा पाव देखेंगे तो ये जो layer है ये काफ़ी मोटी है, जो ये बेसन की layer है तो काफ़ी अच्छा बेसन का स्वाद आता है और अंदर जो पूरा potato है it's nice, squishy, warm. धनिया डाला हुआ है, कोरिएंडर सीड्स, काफ़ी सॉफ्ट पोटैटो है, लाइक कम्प्लीटली बॉइल्ड एंड मैश्ड, काफ़ी फ्रेश है ये। और अंदर वड़ा पाव जो है उसके अंदर कुछ इतने मसाले नहीं डाले गए हैं तो वो ऐसा जितना स्पाइसी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा स्पाइसी वड़ा पाव नहीं पसंद है यू कैन एलिमिनेट द गार्लिक चटनी विच इज़ यम बाय द वे, इट्स नॉट दैट स्पाइसी। गार्लिक और पीनट्स का बहुत अच्छा स्वाद आता है और ये जो ग्रीन चटनी ये भी काफ़ी स्पाइसी है, बट ऐसा वड़ा पाव के अंदर कुछ इतने स्पाइसिस नहीं है। थोड़ा थोड़ा मुझे जीरा दिख रहा है। I absolutely loved it. Look at this, so perfect. धनिया का भी बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताओ, डू यू लाइक योर वड़ा पाव विथ रेड सूखा गार्लिक चटनी या ग्रीन स्पाइसी चटनी, जल्दी कमेंट्स में बताओ मुझे एज वी गो टू आर नेक्स्ट प्लेस। मैं शैलेश वजे हूँ और मेरे पिताजी ने चालू किया 1968 से, मम्मी और डैडी ने मेरे चालू किया है। अभी तो देखो, अभी उस टाइम 68 में चालू किया तो 10 पैसे में एक ओडा था, अभी आज 20 रुपए में एक ओडा पहुँच जा रहा है। कल्याण में अग्रवाल कॉलेज के सामने एक हमारा फ्रेंचाइजी है, एक पूना में हमारा खुद का दुकान एक है, एक इंदौर में है, एक थाना में है, 3 पेट्रोल पंप के यहाँ। ऐसा धीरे धीरे लोगों का प्यार बढ़ता गया, हमारा काम बढ़ता गया। ये बॉन्ड प्लेस है खिड़की वड़े का, लगभग 1500 तक हमारा वड़ा पहुँच जा रहे हैं हाँ एक दिन में। थैंक यू मैडम, थैंक यू, यस वेलकम। टू हैव लंच और क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में बहुत सारा महाराष्ट्रियन फूड खाया तो मैंने सोचा कि लंच में भी कुछ महाराष्ट्रियन फूड ही खाते हैं। सो आई टुक अप माई फोन एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग वेयर कैन आई गेट द बेस्ट थाली नियर मी एंड दिस प्लेस पॉपड अप। आई एम नाउ एट गावरान। दिस प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर, स्टिल वेरी अंडर रेटेड। यहाँ पर आपको मिलता है कोल्हापुरी फूड, यू गेट थालीज हियर, महाराष्ट्रियन स्टाइल मील्स एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। मैं आपको इनका मेन्यू दिखाती हूँ, बट लेट मी टेल यू दे हैव टू ब्रांचेज, दोनों ही कल्याण वेस्ट में हैं और मैं इनके न्यूली ओपन ब्रांच में आई हूँ जिसको आई थिंक 1.5-2 साल ही हुआ है ओपन हुए। ये जगह थोड़ी ज़्यादा स्पेसी है, आपको वर्ली पेंटिंग्स दिखेंगी वॉल्स पे, इट्स द इंटीरियर्स आर डन वेरी नाइसली, काफ़ी ऐसे इंट्रिकेट और कल्चरल इंटीरियर्स लगेंगे आपको। एक बार मैं आपको इनका मेन्यू दिखा देती हूँ। वैसे हम तो यहाँ पे खाएंगे चिकन थाली ही, मैंने पहले ही सेट करके रखा था वो। सो दिस इज हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक। हम यहाँ पे खाने वाले हैं थाली, थाली में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब चलते हैं किचन में एंड लेट्स सी आवर थाली गेटिंग असेंबल्ड। हमारी थाली यहाँ पर आ चुकी है, यह है चिकन मसाला थाली
और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट मी स्टार्ट शोइंग यू। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ज्वारी भाकरी, फिर हमारे पास है यहाँ पे अनियन, फिर हमारे पास रस्सा है पांडरा और तांबड़ा रस्सा, हमारे पास यहाँ पर है चिकन मसाला, वी हैव एग करी, कीमा, सोल करी, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ। लेट्स स्टार्ट ईटिंग। आई लव हाउ इट स्मेल्स, इट लुक्स सो गुड। ये थाली का प्राइस 320 रुपीज़ है और इसमें हमें राइस भी आएगी, बट सबसे पहले हम भाकरी के साथ खाना शुरू करते हैं। द भाकरी सुपर सॉफ्ट, और यहाँ पर है हमारा चिकन मसाला, एकदम थिक कंसिस्टेंसी की ग्रेवी है जिसमें चिकन के पीसेस डाले हुए हैं, एंड द चिकन इज़ सुपर टेंडर, जस्ट लुक एट दैट, नो एफर्ट इन ब्रेकिंग। ऑयल का कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा, बट ये जो मसाला है ये हम काफ़ी सारा लेंगे, एंड लेट्स टेस्ट दिस, लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। मैंने बता नहीं सकती, आई एम सो हैप्पी राइट नाउ टू फाइंड दिस प्लेस, बिकॉज इन द फर्स्ट बाइट इटसेल्फ आई एम सो हैप्पी। ये जो मसाला है काफ़ी थिक है, इसमें एक ऐसे मालवनी मसाला टाइप नहीं होता है, उसका टेस्ट आ रहा है, ग्रीन चिलीज का टेस्ट आ रहा है, अनियन में बना हुआ ये मसाला विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑयल, स्पाइसिस का टेस्ट आ रहा है विद दिस सुपर सॉफ्ट चिकन। ये हमारे राइस भी आ गए, ये राइस अगर आप देखेंगे तो ऐसे थोड़े चिकट राइस है। अमेजिंग। ऐसे हम अनियंस को कैसे बहुत ज़्यादा भूनते हैं मसालों के साथ और तेल के साथ, वैसे इसमें बहुत सारा स्वाद आ रहा है। अभी हम खाते हैं ये एग करी, ये थिक करी में है, हाफ पीस ऑफ बॉइल्ड एग। जब भी मैं कोई थाली खाऊँ ना चिकन की, उसमें जो एग करी होती है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, इट्स सो सोलफुल, मस्त ऐसा टेस्ट आता है। उसमें एक अच्छा बॉयल किया हुआ अंडा एक थिक ग्रेवी में डाला गया है, अनियन टमेटो की ग्रेवी, बट इसमें मसाले भी डाले गए हैं, धनिया का टेस्ट आ रहा है बहुत सारा, सिनेमन डाला हुआ है 100%, इट्स लाइक टचिंग माई थ्रोट, सिनेमन, सो गुड। अभी थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए हम पीते हैं सोल कड़ी। इट लिटरली जस्ट अटैक्स योर थ्रोट, एकदम ऐसे आपको यहाँ पे फील होगा, कोकम का टेस्ट, देन कोकोनट का हल्का सा, इसमें ना जिंजर गार्लिक का भी टेस्ट आता है, फिर नमक, वेरी रिफ्रेशिंग। लेट्स नाउ हैव सम चिकन कीमा, दिस इज चिकन कीमा। वैसे ओवरऑल ये जो थाली है, बिकॉज इट्स कॉल्ड चिकन मसाला, तो इसके फ्लेवर्स ऐसे काफ़ी मसालेदार और स्पाइसी है, बट अगर आपको लेस स्पाइसी थाली चाहिए, या एक कोरिएंडर और पालक में भी एक इनकी चिकन बनती है, वो सब खाने हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन थालीज। यूजुअली चिकन कीमा जो है मुझे थोड़ा ड्राई पसंद है विथ ऑयल, पर इसमें ये विथ ग्रेवी है, लाइक थोड़ा वाटरी वाटरी है, तो ये मुझे ठीक लगा, बट अभी तक मैंने जो भी खाया है इट्स बिन अमेजिंग एक्सेप्ट द चिकन कीमा। चिकन कीमा मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लैंड भी लग रहा है। अभी ट्राई करते हैं ये चिकन सूखा। तो ये अनियन और ग्रीन चिलीज के साथ बनाया गया है, ये काफ़ी स्पाइसी है, मसालेदार है, स्पाइसेस का टेस्ट आ रहा है, दिस इज़ लाइक अ ड्राई डिश, वेरी यम्मी। लेट्स टेक सम ऑफ दिस राइस। ये राइस जैसे मैंने आपको बोले थोड़े चिकट राइस हैं, ऐसे थोड़े स्टिकी राइस हैं, और इसमें थोड़े मसाले डाले गए हैं जैसे पेपरकॉर्न्स, जीरा। इसके साथ अभी हम ये खाएंगे चिकन मसाला। वाओ, राइस इतने एरोमेटिक हैं, इतने स्पाइसेस डाले हुए हैं, शाही जीरा का टेस्ट, राइस का टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, हल्का हल्का इलायची का टेस्ट आ रहा है, वेरी गुड। वैसे जितना मैं ये खा रही हूँ, कोई कोई पीस, लाइक चार में से एक पीस, कोई कोई थोड़ा ड्राई और कच्चा निकल रहा है, जस्ट अ साइन वे दे कैन इम्प्रूव आई गेस। जगह पे आपको लेके आई हूँ, ये प्लेस का नाम है महावीर भेलपुरी, एंड इट्स वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स इन कल्याण टू हैव सम चाट। यहाँ का चाट, टोस्ट, चाइनीज भेल काफ़ी डिलिशियस होता है, और मैंने यहाँ पे अपने लिए एक चाट ले ली है, बट हम यहाँ पे चाइनीज भेल भी पक्का खाएंगे। दिस प्लेस इज ऑल्सो ओल्ड, ये वायली नगर में आता है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया है दिल्ली पापड़ी चाट। एक चीज़ जो मुझे चाट के बारे में बहुत अच्छी लगी कि इसका जो प्रिपरेशन है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी मिनिमम इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने डाला था पापड़ी, फिर आलू, थोड़ा सा मूंग,
दही चटनी और ऊपर से ये दाल, जो ये फरसान टाइप दाल होती है. एंड लुक एट दैट, लुक सो गुड. एंड नॉट टू फॉरगेट, बहुत सारे इसमें मसाले और धनिया भी डाला हुआ है. ओह वाओ, चटनीज का जो फ्लेवर है, धनिया, फिर जो मसाले डाले गए हैं, क्रिस्पी पापड़ी, ठंडी दही, मैश्ड आलू, एवरीथिंग. आई कैन टेस्ट एवरीथिंग एंड इट्स सो यम. चाट की सबसे बेस्ट बात क्या होती है, इट शुड बी अ वेरी गुड प्ले ऑफ फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स. इसके टेक्सचर्स तो काफ़ी कमाल के हैं. पापड़ी और ये जो ऊपर से थोड़ी दाल डाली गई है, वेरी क्रिस्पी, फिर दही, आलू एकदम मैश, और जो चटनीज हैं, ओ माई गॉड, पुदीने की, खजूर की, सो गुड. दही इतनी मीठी नहीं है, ओवरऑल ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, खट्टा और मीठा है, तो इसमें कुछ भी इतना तीखा नहीं है. बट जो मसाले डाले गए हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा जीरा पाउडर का टेस्ट आ रहा है, हल्का सा चाट मसाला, नमक, काला नमक जो होता है, बहुत अच्छा लगा. अभी हम यहाँ पे चाइनीज भेल ट्राई करते हैं. गाइज, अब जो सेकेंड चीज़ हम यहाँ पे खा रहे हैं वो है एक चाइनीज़ बेल. काफ़ी टाइम हो गया मुझे चाइनीज़ बेल खाए हुए, और चाइनीज़ बेल एक ऐसा आइटम है जो स्ट्रीट्स पे ही खाने का मज़ा आता है, राइट. सो यहाँ की जो चाइनीज़ बेल है, मैंने बहुत पहले यहाँ पे खाई थी और मुझे अच्छी लगी थी. लेट्स सी, द टेस्ट इज स्टिल द सेम. मैं टेस्ट भूल ही गई हूँ ऑनेस्टली. सो आपने देखा इन्होंने बनाया कैसे, फ्राइड नूडल्स विथ कैबेज, स्प्रिंग अनियन, लॉट्स ऑफ शेजवान सॉस, थोड़ा और कैबेज एंड सेव. वाओ, द टेस्ट इज स्टिल द सेम. काफ़ी गार्लिक ही है, कुछ इतना स्पाइसी नहीं है, ऐसा गार्लिक का बहुत स्वाद आ रहा है. फिर शेजवान सॉस, कैसे जो होती है एक टिपिकल शेजवान सॉस या रेड चिली सॉस, उसका स्वाद आ रहा है. अगर आपने कभी चाइनीज़ बेल खाई होगी, यू नो काफ़ी जगहों पर चाइनीज़ बेल का जो टेस्ट होता है काफ़ी सेम ही होता है, पर इसमें पर्टिकुलरली मुझे गार्लिक का एक बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है. द नूडल्स आर नाइस एंड क्रिस्प, वेल फ्राइड, स्प्रिंग अनियन बहुत सारा डाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा कैप्सिकम भी डाला हुआ है. ये क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक स्नैक्स के टाइम पे इफ़ यू ईट दिस यू विल बी सो स्टफ. वेरी नाइस. अगेन वन गुड थिंग इज इट्स नॉट लाइक वेरी स्पाइसी, तो खाने में ऐसे जितना भी खाते जाओ मज़ा ही आता है. गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम हो गया है डिनर का और अब हम आ गए हैं एट दिस प्लेस कॉल्ड लुकर. ये एक काफ़ी अनअज्यूमिंग प्लेस है, और अगर आप यहाँ पे आते हो ना, मेक श्योर कि आप यहाँ पे कार मत लाओ, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का कुछ गारंटी नहीं है, पार्किंग तो है भी नहीं. मैंने ये प्लेस के बारे में बहुत सुना है. लास्ट टाइम जब मैंने कल्याण फूड पार्ट 1 डाला था, आपने से मुझे बहुत लोगों ने कहा था दैट आई शुड ट्राई द फूड हियर. एंड ये जो प्लेस है, ये भी लोकल्स की एक फेवरेट प्लेस है फॉर मुगलाई एंड चाइनीज फूड. This is how their menu looks like. Menu तो काफ़ी elaborate है. आपको तंदूर में options हैं, मुगलाई, you have Chinese, बहुत सारे options हैं. So हमने यहाँ पे हर category से कुछ ना कुछ order किया है. We have ordered some chicken shole kebab in starters, chicken afghani in main course, which is a gravy preparation जो आप रोटी के साथ खाओगे, and Chinese में हमने order किया है some fried rice. सो हमारा स्टार्टर यहाँ पे आ चुका है. 10 मिनट्स लगे स्टार्टर आने में. दिस इज़ चिकन शोले कबाब. लुक एट दिस, ये फुल प्लेट है जिसमें आपको 10 पीसेज आते हैं ऑफ कबाब. ये चिकन प्रिपरेशन है, इट लुक्स वेरी नाइस. लेट्स टेक वन. लॉट्स ऑफ बटर और थोड़ा थोड़ा चीज़ भी डाला हुआ है ऊपर से. यहाँ पे दो चटनीज भी हैं, एक ये रेड फायरी शेजवान चटनी है, एंड हियर वी हैव सम ग्रीन चटनी. लेट्स ईट दिस. वाओ, इट्स लाइक मैं चिकन तंदूरी खा रही हूँ बट बोनलेस. मैं ना फोक साइड में रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले आप ये देखिए, दिस इज सो नाइसली ग्रिल्ड. द चिकन इज वेरी टेंडर. जस्ट लुक एट दिस, नो एफर्ट इन ब्रेकिंग. कोटेड विथ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस. ये एक्चुअली इतनी स्पाइसी नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी बटरी और मसालेदार है, टैंगी है इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा. पेयरिंग अप विद दिस चटनीज,
ये ग्रीन कोरिएंडर की चटनी है, तो हल्की सी स्पाइसी है। शेजवान चटनी इतनी स्पाइसी नहीं है, इनफैक्ट बहुत गार्लिक और रेड चिली सॉस टाइप टेस्ट आ रहा है। और ये जो चिकन शोले कबाब है, इसकी मैरिनेशन में जो मसाले डाले गए हैं काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में डाले गए हैं, क्योंकि मसालों का स्वाद इतना ओवरपावर नहीं कर रहा है। इसमें ऑब्वियसली चाट मसाला डाला गया है, जीरा पाउडर, देन कश्मीरी रेड चिली, लॉट्स ऑफ लाइक रेगुलर स्पाइसेस, बट बहुत सारा बटर यूज़ करके जो इसको अच्छे से इन्होंने तंदूर पर ग्रिल किया है विद दीज चटनीज, दैट्स द बेस्ट थिंग। अभी मेन कोर्स में मैं ट्राई करने वाली हूँ चिकन अफ़गानी। जैसे मैंने आपको बताया ये मेन कोर्स डिश है, और ऊपर से आप देखिए कितना सारा बटर और क्रीम डाला हुआ है। दिस इज़ जस्ट हाफ क्वांटिटी, लेट्स मिक्स दिस अ लिटिल एंड सी अंदर कैसा है। वाओ, ये एक्चुअली मुझे यहाँ के स्टाफ ने रेकमेंड की, तो इसमें एक्चुअली चिकन के छोटे श्रेडेड पीसेस हैं, और ये ग्रेवी काफ़ी थिक, ऑयली और बटरी लग रही है, लुक एट दैट। और यहाँ पर हमारे पास है रोटी। चलिए मैं ले लेती हूँ थोड़ी चिकन प्लेट में, दिखने में तो काफ़ी मस्त लग रही है, एकदम मसालेदार। चलो, आई कांट वेट टू डिग इन, लेट्स ईट। यूजुअली जब हम अफ़गानी चिकन की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि थोड़ी स्वीट होगी, बट ये काफ़ी मसालेदार है, हल्की सी स्पाइसी भी है, काफ़ी ऑयली है, और चिकन के जो पीसेस हैं उसमें कैसा स्मोकी फ्लेवर, इट्स एक्चुअली लाइक श्रेडेड स्मॉल पीसेस ऑफ चिकन, एकदम ऐसा एक भुना हुआ ग्रेवी कैसे होता है जिसको बहुत ऐसा भुना हो वैसा है। अगर आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे तंदूर के चिकन ऐसे पीसेस हैं इन दिस ग्रेवी विच इज़ फुल ऑफ स्पाइसेस। भुना हुआ अनियन, उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट आ रहा है, फिर मुझे गार्लिक का बहुत स्वाद आ रहा है। ये ना ऐसा तीखा नहीं है, काफ़ी ऐसा हॉट इन नेचर है, बट बहुत आप इन्जॉय करोगे खाने के टाइम पे। ग्रीन चिलीज डाले गए हैं, उससे ही आई थिंक पूरा ऐसा स्पाइस आ रहा है। ओवरऑल ये ग्रेवी ऐसे काफ़ी थिक है, चिकन नाइसली कुक्ड, ऐसे श्रेडेड चिकन कैसा होता है वैसा। दूसरे ग्रेवीज में कैसे टमाटर इन सब का यूज़ होता है, इसमें इतना नहीं है, सिर्फ अनियन का ही बहुत यूज़ किया गया है। क्रीमी, बहुत सारा क्रीम यूज़ किया गया है, बटरी एंड वेरी गुड, काफ़ी अलग है, बहुत अच्छा लगा लेकिन मुझे। एंड फाइनली सम वेज फ्राइड राइस। एज आई टोल्ड यू कि मैं यहाँ पे कुछ चाइनीज़ में भी ट्राई करूँगी, सो आई थॉट डिनर के टाइम पे सम फ्राइड राइस वुड बी जस्ट परफेक्ट। इसमें मुझे बीन्स दिख रहे हैं एंड आई कैन ऑल्सो सी सम कैरेट। राइस इज शाइनिंग क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में ऑयल बहुत सारा डाला हुआ है। एकदम देसी स्टाइल है राइस। इसमें सॉसेस में सिर्फ मुझे लग रहा है सोया सॉस ही डाली हुई है, बट इसमें विनेगर का टेस्ट आ रहा है। वन थिंग आई एम लाइकिंग इज़ वेजिटेबल्स का बहुत मस्त स्वाद आ रहा है, लाइक बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन, हल्का हल्का अनियन भी डाला हुआ है। सो ओवरऑल राइस भी काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा ऑयल आप कम बोल सकते हो, बट अदरवाइज टेस्ट में तो काफ़ी सही है। ओवरऑल एवरीथिंग वी ट्राइड हियर वाज अमेजिंग। You guys can come here, don't expect a fancy ambience, but the food is really good. यहाँ पे आप आके मुगलई फूड ट्राई कर सकते हो। वेज मैंने कुछ ट्राई नहीं किया एक्सेप्ट दिस, बट वेज में इतने भी ऐसे ऑप्शंस नहीं हैं, बट यू कैन कम एंड ट्राई द फूड हियर, आई लव इट। वीडियो हम एंड करने वाले हैं डिजर्ट्स के साथ, एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट। हम अब आ गए हैं सावरिया। ये प्लेस कल्याण स्टेशन के आजू बाजू में ही है, थोड़ा सा ही दूर है, और यहाँ का फलूदा मिल्क शेक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वीट भी होते हैं, बट आई एब्सोल्यूटली लव इट। सो दिस इज देयर फलूदा, ऐसे छोटे से ग्लास में मिलता है, नीचे वर्मिसली डाली हुई थी, देन ऊपर से लोग डालते हैं आइसक्रीम, रबड़ी, कुल्फी एंड लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड दे मिक्स इट, इट्स सुपर थिक, टूटी फ्रूटी भी डाली हुई है। वाओ, एक चीज़ के बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गई, इसमें रबड़ी बहुत डालते हैं, एंड इन जनरल यहाँ की जो रबड़ी होती है, लाइक द वन दे पुट इन कुल्फी और मिल्क शेक्स, आई लव इट।
तो ये एक्चुअली काफ़ी थिक है, इसमें आपको कुल्फी का स्वाद आएगा, रबड़ी का। द क्वांटिटी इज़ परफेक्ट फॉर वन पर्सन। ये देखिए, अब बिग चंक ऑफ कुल्फी, आइसक्रीम, रबड़ी, वॉमिसली, टूटी फ्रूटी, और इसमें केसर का भी स्वाद आता है। एंड दिस इज़ अ फ्रूट मिल्क शेक, इसमें फ्रूट के चंक्स होते हैं। अब ये मेरा फेवरेट है, मुझे फलूदा से भी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। मुझे एप्पल का स्वाद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे रबड़ी जैसा। इसकी कंसिस्टेंसी भी थिन है कंपेयर टू रबड़ी मिल्क शेक या फलूदा जो आप पियेंगे। मैनी फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, लव दिस प्लेस। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है ख़त्म। मुझे ना बहुत मज़ा आता है एवरी टाइम आई डू अ फूड टूर इन कल्याण। आई होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग इट एज वेल। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। कॉमेंट्स में मुझे बताइए इफ देर आर एनी मोर प्लेसेज, एंड मेक श्योर दैट यू वॉच माई अदर कल्याण फूड पार्ट एज वेल। टुडेज कॉमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कॉमेंट। अगर आपको चाहिए कॉमेंट शाउट आउट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीव अ कॉमेंट बिलो। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन होप यू खुश रहो। बाय। फॉर दे बड़ा पाव ना, लास्ट 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 5 years पहले पूरा फिर से। और जो दूसरी प्लेस, स्पाइसेस का जो हॉट नेचर है मुझे फील हो रहा है। मैं ये साल के बिगिनिंग में कोलकाता गई थी, कोलकाता बोल रही हूँ, फ्राइड नूडल्स, स्प्रिंग अनियन, गरम एक सेकंड, चिकन अंगारा, अंगारा, सॉरी सर, यू गॉट ब्लूमर्स।